पर्दे पर हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाले कई एक्टर्स असल लाइफ में किस दर्द से गुजर रहे होते हैं इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा पाते। कई तो इतना हताश हो जाते हैं कि खुद अपने हाथों अपनी सांसों की डोर तोड़ देते हैं। आज हम एक ऐसे अभिनेता के बारे में बताएंगे जिन्होंने कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया। छोटे पर्दे पर भी इस अभिनेता ने कई हिट शो दिए, फिर भी इतनी सफलता के बावजूद वह डिप्रेशन से जूझते रहे और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने सुसाइड कर ली। जी हाँ, ये अभिनेता कोई और नहीं, कुशल पंजाबी है। कुशल का जन्म 23 अप्रैल 1977 को एक सिंधी परिवार में हुआ था। उनके पिता कराची से थे जबकि उनकी माँ हैदराबाद से थी। हालांकि वह एक सच्चे मुंबईकर थे जिनका जन्म और परवरिश मुंबई में हुई थी। कुशल पंजाबी मल्टी टैलेंटेड थे और उन्हें स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। उन्हें छोटे उम्र में ही साइकिल चलाना, स्केटिंग, स्विमिंग और डांस करने का शौक था। जैसे जैसे वह बड़े हुए वह फुटबॉल में शामिल हो गए और स्कूल के दौरान उन्होंने कई स्विमिंग कॉम्पिटिशन और पार्टिसिपेट किया। स्पोर्ट्स में लगाव के साथ ही कुशल को डांस, थिएटर और म्यूजिक भी काफी पसंद था। इसी के चलते वो एक्टर बने। कुशल ने फिल्मों और टेलीविजन पर खूब काम किया और अपने दमदार एक्टिंग का लोहा भी मनवाया। कुशल ने जब फरवरी 2011 में टीवी रियलिटी गेम शो जोर का झटका टोटल वाइप आउट जीता तो लाइमलाइट में आ गए थे। कुशल ने अपने करियर में कई म्यूजिक वीडियो किए, इसके अलावा छोटे पर्दे पर वो 20 से ज्यादा टीवी शो जीते नजर आए थे। उन्होंने 5 फिल्मों में भी काम किया। वह फरहान अख्तर की, लक्ष्य, करण जौहर की, काल, यूटीवी की धन धना धन, गोल और सिनविस्टा की सस जैसी फिल्मों में दिखाई दिए। उन्होंने टेलीविजन पर भी अपनी छाप छोड़ी और कई सीरीज में काम किया। हालांकि 26 दिसंबर 2019 को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर पर कुशल पंजाबी का निधन हो गया था। एक्टर ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। उनकी उम्र केवल 42 वर्ष थी। कुशल की सुसाइड ने हर किसी को हैरान कर दिया था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाले कुशल आत्मघाती कदम कैसे उठा सकते हैं। दरअसल कुशल डिप्रेशन में जूझ रहे थे। उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपने माता पिता और बेटे के बीच बांटने का जिक्र किया था। उनके को एक्टर चेतन हंसराज ने बताया कि पंजाबी को अपनी पर्सनल लाइफ में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था जिसमें उनकी पत्नी के सेपरेशन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी शामिल थी जिसकी वजह से उनका स्ट्रगल काफी ज्यादा बढ़ गया था।